मालेगांव अभी तो क्रिटिकल है, सभी की नज़र मालेगांव पे है। हु का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही खतरनाक है। हु जो बोलता है कि वो 2-3 हज़ार से भी वो ज़्यादा हो सकते हैं, हु का प्रेडिक्शन है। उनका सत्य होता है ऐसा ही नहीं है, लेकिन उनका एक प्रेडिक्शन है मालेगांव के बारे में, जो हाई डेंसिटी एरिया है। देखिए सच सच्चाई के साथ। मैं अपना सुन समाज पूरा था सुन पूरा एक खुशामत पूरा इस्लामाबाद एक नूरबाग दोन खुली गुलाब पार्क दो मदीनाबाग एक अच्छा कॉलोनी तीन 36 मदीनाबाद एक मदीनाबाद एक गुलाब पार्क दोन यहाँ पे जो है ऊपर ये जो दो नए स्पॉट आए, तो यहाँ पे एक था हजार कुली का और एक था नूरबाग का। तो ये पहले का जो ऐसा था, तो हमने इसको यहाँ से हटा के ये ऐसा बढ़ा लिया यहाँ, ये नई जो आपने हॉटस्पॉट आने के बाद राइट इसमें ये इंक्लूड कर लिया। फिर वहाँ पे वो नया अक्षर कॉलोनी का आया, तो अपना पहला बफर जोन था वो बफर जोन ऐसा था, यहाँ से लेकर ऐसा था, है ना। तो हमने बफर जोन ऐसा बढ़ा लिया है इसका इस तरह से, और ये नया जोन यहाँ पे कंटेनमेंट का तैयार किया है। सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं उपायुक्त मालेगांव महानगर पालिका आज आप सबको ये संबोधित करता हूँ कि हमें कल नए पेशेंट मिले, उन पेशेंट को उन पेशेंट के पहले भी हमें कुछ जगह पे पेशेंट मिले थे। जहाँ जहाँ पे पेशेंट मिले थे उस एरिया के पास का कुछ सेंसिटिव जोन हमने कंटेनमेंट जोन करके डिक्लेयर किया था। इस जोन में उस जोन में हम सब चीज़ों को प्रतिबंधित करते हैं। उसी तरह से हमें तारीख 13 को 2 पेशेंट मिले हैं, तारीख 14 को हमको 5 पेशेंट मिले हैं, तो कुल 7 पेशेंट के नए करीबन हमारे पास 6 जगह निश्चित हुए हैं। वो है अक्सा कॉलोनी, खुशामतपुरा, बेलबाग, हज़ार कुली, नूरबाग, तो इस्लामाबाद, गुलाब पार्क। तो इन सब एरिया को हमने मिला के एक नया कंटेनमेंट प्लान अभी बनाया है, वो हम पुलिस को देने वाले हैं। इस कंटेनमेंट प्लान में एक बफर जोन होगा, उस बफर जोन के कुछ सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन कंटेनमेंट में सभी सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन इस कंटेनमेंट एरिया में जो लोग अटके हुए हैं उनकी जीवनावश्यक वस्तुओं की हम सब तजवीज़ करने वाले हैं। इसके लिए हमने वहाँ पर आउटपोस्ट बनाए हुए, वहाँ पर कॉरपोरेशन के लोगों को रखा है। हमने 910 कार्ड नए खरीदे हैं, डेडिकेटेड मोबाइल लोगों को दिए हैं, वो 24 आवर चलेंगे। और वहाँ पे हम इस कंटेनमेंट जोन में जो लोग अटके हुए उनके कॉल लेंगे, और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती वो हमको बताएंगे। फिर हमारे लोग वहाँ से पीछे फल वाले होंगे, भाजी वाले होंगे, रेशन वाले होंगे, मेडिसिन वाले होंगे, सिलेंडर वाले होंगे, उनसे ये सब चीज़ें जमा करेंगे, पिशुओं में डालेंगे, और वहाँ से लेके हम कंटेनमेंट जोन में पहुँचा देंगे। वहाँ से हमारे स्वयंसेवक जाएंगे और उस विशिष्ट व्यक्ति के घर पे उस सामान को पहुँचा देंगे। तो एक हमारी एक सर्वसाधारण ये सिस्टम हमने बनाई हुई है, जो कि लोगों की दिक्कतों को कम करे। उसी प्रकार हमें पत्रकार बंधु से एक ऐसा भी सुझाव आया था कि कंटेनमेंट जोन में ही ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ दुकानदार है, विक्रेते हैं, कि जिनका लोकल लोगों से अच्छा संपर्क है, उधार भी देते हैं। तो अगर उनको भी हम आइडेंटिफाई कर ले, तो जीवनावश्यक वस्तु गरीब मजदूरों को या गरीब लोगों को आराम से मिल सकता है। तो उसका भी हम अब उस सुझाव का अमल बजावनी करने वाले हैं। ऐसे कुछ दुकानदार होंगे तो उनसे हम अपने इसमें नोन कर लेंगे, और वह स्वयं से रख देंगे कि वो उस आदमी को वो पहुँचा देगा।
उसी प्रकार से हमने FDO को भी बोला है कि आप कंटेनमेंट जोन के जो रेशन कार्ड धारक है गरीब, तो उनको आप जो तांदू या फिर दाल होती है वो उनको प्रायोरिटी पे पहुंचा दें, है ना। उसी प्रकार हमने इनका भी मीटिंग लिया है गैस सिलेंडर वालों का, उनको भी बोला है कि आप भी यहाँ पे सिलेंडर रखिए कि अगर किसी का फोन आता है तुरंत उसके तहत सिलेंडर पहुंच जाए। जो हमें अभी पेशेंट मिले वो कहाँ कहाँ से मिले तो मैं आपको बताता हूँ। मेवी नगर से एक है, मोमिनपुरा से 10 है, सुपर मार्केट की एरिया से एक है, नयापुरा से 2 है, कमालपुरा में से 10 है, खुशवंतपुरा से एक है, इस्लामाबाद से एक है, नूरबाग से 2 है, हज़ारकोली से एक है, बेलबाग से एक है, गुलाब पार्क से 2 है, मदीनाबाग से 1 है और अक्सा कॉलोनी से 3 है। ऐसे कुल मिलाकर 36 पेशेंट मालेगांव से हैं। उसमें से 2 जो पेशेंट मिले हैं डिटेक्ट हुए, एक धुलामी में डिटेक्ट हुआ है, नासिक में डिटेक्ट हुआ है। और जो धुलामी डिटेक्ट हुआ है तो उसकी मौत धुलिया में हुई है, लेकिन उसका जो अंत संस्कार है तो वो मालेगांव में हुआ है। क्वारंटाइन फैमिली जो है वो कुल मिलाकर हमारी जो फैमिली है 36 फैमिलीज क्वारंटाइन है आज, तो उसमें से कुल मिलाकर 154 के आसपास अभी तक हमने जो क्लोज कांटेक्ट वाले लोग हैं उनको हमने बड़ी मालेगांव में रखा है, सबको बड़ी मालेगांव में रखा है और उसी को हमने फिलहाल क्वारंटाइन का सेंटर बनाया है। सर अभी पेशेंट जो है सिविल हॉस्पिटल से जो है जीवन हॉस्पिटल और मंसूर वगैरह में, उसके बारे में देखिए अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। शासन ने 3 प्रकार की एक हायरार्की बनाई है, उसके कहते हैं CCC कोविड केयर सेंटर, तो फिर उसके बाद आता है हेल्थ सेंटर कोविड हेल्थ सेंटर, और उसके बाद आता है कोविड हॉस्पिटल, राइट। तो कोविड केयर सेंटर में जो पॉजिटिव पेशेंट है लेकिन उनको सिम्टम नहीं है उनको रखा जाता है, उनको बहुत कोई इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती, तंदुरुस्त होते हैं। उसके बाद में हेल्थ सेंटर है जिसमें थोड़े से सिम्टम दिखते हैं, उनको गोलियाँ वगैरह इनकी ज़रूरत होती है, थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसा हेल्थ सेंटर होता है। और तीसरा जो होता है तो वो रहता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सब ऑपरेशन की सुविधा रहती है, वहाँ पर वेंटिलेटर रहता है, सब चीज़ें रहती है। तो जीवन हॉस्पिटल अपने पास है, उसके बाद कोविड हेल्थ सेंटर के लिए मंसूरा का जो मेडिकल कॉलेज है उसको लिया है, और केयर सेंटर जो है कोविड केयर सेंटर तो उसके लिए मंसूरा का ही इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एक हॉस्टल है उसको हम ले रहे हैं। और फिलहाल शासन ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें यह है कि जो भी सिविल हॉस्पिटल है वो सब सिविल हॉस्पिटल को अभी नॉन कोविड करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो बाकी के पेशेंट आते हैं जो भी हो, मतलब हार्ट के हो या किसी और मलेरिया वगैरह के हो, तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ हो और वो अफेक्टेड ना हो, इसलिए उनको नॉन कोविड डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए वो जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो भी हमने अब मंसूरा में शिफ्ट कर दी है, और वो टेस्टिंग के लिए हमने एक कैबिन बनाया है जो कि आप अब बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, उसमें ऐसे डॉक्टर हाथ डालता है और फिर स्वैब लेता है, तो उस तरह का कल हमने कैबिन बनवा भी लिया है मंसूरा कॉलेज में। सर अभी किस पोजीशन में मालेगांव शहर है और मालेगांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मालेगांव अभी तो क्रिटिकल है, सभी की नज़र मालेगांव पे है। हु का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही खतरनाक है, हु जो बोलता है कि 2-3 हज़ार से भी वो ज़्यादा हो सकते हैं, हु का प्रेडिक्शन है। उनका सत्य होता ही ऐसा ही नहीं है, लेकिन उनका एक प्रेडिक्शन है मालेगांव के बारे में, जो हाई डेंसिटी एरिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग ना प्रशासन को सपोर्ट करें, वो ना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, और उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पेशेंस बना के रखे, वो हमारे 8 जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल करें, उनकी समस्याएं वहाँ पे बताएं, है ना। कोई भी जीवनावश्यक चीज़ की हो या डॉक्टर की हो तो हम जितना हो सके जल्दी उनको दें, उसके बारे में भी पेशेंस रखें, क्योंकि हमें उनको जो सप्लाई करने की चीज़ें हैं जैसे कि दाल हो या कुछ भी हो मांगेंगे तो 3-4-5 घंटे में उनको मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर दिया और तुरंत 5 मिनट में उनके पास आएगी, क्योंकि अभी परिस्थिति जरा गड़बड़ है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हमें पीछे से भी सप्लाई मैनेज करना है,
है ना, ये सब चीज़ें हैं। हम दूध का भी थोड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं, तो बस इतना ही है कि आप पुलिस को भी सहकार्य कीजिए, क्योंकि पुलिस को भी लिमिटेशंस है। हमारी तो क्षमता है, मतलब इतनी एक्सप्लॉइट हो रही है कि हम हर जगह पर आदमी नहीं भेज सकते, इसलिए हम स्वयं सेवकों का बहुत हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितने वॉलंटियर्स हमको मिलेंगे वो अच्छा है, हमने नगर सेवकों से तालमेल बनाने को शुरू किए है, हमें पॉलिटिकल लोगों का भी बहुत सपोर्ट होना जरूरी है, और एनजीओज भी आगे आ रही है, बहुत अच्छी बात है मालेगांव में, जो कि क्वारंटाइन में अभी वो खाना वहाँ पे दे रही है। तो ऐसे ही आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, अगर आपके पास कोई गरीब इंसान रहता है और उसके पास खाने की चीज़ें नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको दे दीजिए आज, आप बाद में ख़रीद लेना, क्योंकि हम वो तो आप ऑर्डर देने के बाद हम आपको देने ही वाले हैं, लेकिन किसी को तुरंत लग रहा है 5 मिनट में, तो आप दे देना, फिर हम आपको पहुँचा देंगे।